प्लस मेरा नाम भव्या है और मुझे फिनेंस फील्ड में 6 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको एक नया सेशन लेने वाली हूँ जिसका नाम है हाउ टू ट्रेड, शेयर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्टार्टिंग हम शेयर से शुरू करते हैं। शेयर्स क्या होती है? यूजुअली कंपनी को जब कभी भी प्रोडक्ट नया लॉन्च करना पड़ता है या नया बिजनेस करना है तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है और ये पैसा वो मार्केट से उठाती है, पब्लिक से। और किस रूट से उठाते हैं? वो है शेयर से। वो अपने कंपनी का एक भाग 10% या 20% या कितने भी परसेंट ओनरशिप पब्लिक को दे देती है और पब्लिक वो ओनरशिप शेयर्स थ्रू खरीद लेती है। ये है शेयर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है बीएसई और एनएसई। बीएसई और एनएसई एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम शेयर खरीदते हैं। बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ शेयर्स लिस्टेड होती है और यहाँ से हम यूजुअली शेयर्स खरीदते हैं। अब नेक्स्ट है सेंसेक्स। सेंसेक्स ये हमें बताती है कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है, यानी कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे है। नेक्स्ट है डीमैट अकाउंट। जब कभी भी मुझे ट्रेड करना हो तो सबसे पहले मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट मतलब आजकल आप शेयर्स फिजिकल फॉर्म में खरीद नहीं सकते। फिजिकल मतलब पेपर के फॉर्म में खरीद नहीं सकते। आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है तो डीमैट उसे कहते हैं कंप्यूटराइज्ड फॉर्म ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स जो है आपके कंप्यूटर में रहेंगे। आप जो भी खरीदते हैं बेचते हैं सब कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रहेगा, आपके हाथ में फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं रहेगा। अब समझते हैं डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलते हैं। या फिर कोई बैंक में या फिर कोई ब्रोकिंग फर्म में आप जाके आपका अकाउंट ओपन कीजिए, कहिए उनसे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो वो मांगते हैं दे दीजिए, साथ में कुछ मिनिमम अमाउंट आप डिपॉजिट कर दीजिए। वो आपको ट्रेडिंग कैसे करते हैं बता देंगे। आजकल मोबाइल ऐप भी आ चुका है तो आप उनका ऐप डाउनलोड कर दीजिए और उस ऐप थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो। आप बेच सकते हो और आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ शेयर। शुरुआती में जब भी आप शेयर खरीदने जाएंगे आप इतना देखिए कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। जल्दी जाके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके आप रिस्क ना लीजिए, क्योंकि शेयर खरीदना हो तो मिनिमम 3 महीने से 6 महीने का एनालिसिस करना पड़ता है, यानी कि रीडिंग करनी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, कौन सी कंपनी के शेयर्स हमें खरीदनी चाहिए। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब कभी आप शेयर्स खरीदोगे तब 1 रुपए से लेकर 100 रुपए के शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे कि एक लिस्ट बनाइए वो कंपनीज के ऊपर जो 1 रुपए से लेकर 100 रुपए की शेयर्स बेचती है। उसके बाद आप ये देख 3 महीने से 6 महीने के गैप में आप ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है देखिए। ये शेयर्स कितना घटा, कितना बढ़ा, कितना परसेंटेज ऊपर गया, कितना परसेंटेज नीचे गया, ये कंपनी आगे क्या करने वाली है, ये कंपनी कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, ये कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या बेचती है, इससे आपको उस कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। 3 से 6 महीने तक आप वो कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक कर लीजिए। उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, जेन्युइन है या फिर ऐसे ही नाम दिया है उन्होंने, ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद आप इसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर दीजिए और डेली इस पे स्टडी कीजिए। 6-7 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा 2000 का शेयर्स खरीद लीजिए। जैसे कि 2 रुपए का एक शेयर है तो आप 1000 शेयर्स तो खरीद ही सकते हो, तो 2000 रुपए का आप शेयर्स खरीद लीजिए और जैसे ही ये 3-4-5 हजार हो जाता है तो आप वो शेयर्स बेच लीजिए। जितना पैसा आपने डाला है वो सबसे पहले आप निकाल लीजिए और बचे हुए प्रॉफिट से आप मार्केट में ट्रेड कर लीजिए। इस तरह आपके पैसों की कंट्रोल आपके पास रहेगी। एक बात जरूर याद रखना, आप खुद के पैसे से ही ट्रेड कीजिए, दूसरों के पैसे से नहीं। इससे बहुत रिस्क होगा और टेंशन भी रहेगा। ये था मेरा पहला स्लाइड। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कैसे शेयर्स के बारे में एनालिसिस करते हैं डिटेल में। जरूर मेरे साथ रहिए अगले सेशन में। बाय। अगर आपको कोई कमेंट और व्यू होगा तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। थैंक यू।